हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में। आज की रेसिपी होने वाली है मटन की हेड की करी, जो कि यूपी साइड में इसे सिरी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मटन की हेड की करी से। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में सरसों का ऑयल लिया है। जब वो ऑयल गर्म हो गया तो उसमें दो मैंने तेज पत्ते डाले हैं और मैंने 8 से 10 इसमें काली मिर्च डाली है और 5 से 6 इसमें लौंगे डाली हैं और आधा चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब इन सारे खड़े मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें मैंने बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है, तो एक बड़ी इलायची भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और जब ये मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए तब फिर इसके बाद में चॉप की हुई इसमें प्याज आपको ऐड करनी है। तो अब इसमें हमने चॉप की हुई प्याज इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो प्याज को आपको खूब अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये लाल ना हो जाए। तो आपको ऐसे ही प्याज फ्राई कर देना है। तो देखिए अब ये हमारी प्याज ना खूब अच्छी तरीके से लाल कलर की हो गई है। तो जब ये थोड़ी सी ना सुनहरी सी हो जाएगी तब इसमें हम ना 3 से 4 चम्मच, मैंने छोटे चम्मच से 3-4 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। तो 3-4 चम्मच लहसुन के पेस्ट ऐड कर देने के बाद में फिर इसमें छोटे चम्मच से ही मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और अब दोनों पेस्ट को हमको अच्छी तरीके से इसमें ऑयल में हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो अब जब अदरक लहसुन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तब फिर हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और इसमें थोड़े से मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें लाल मिर्च ऐड कीजिएगा और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। और फिर इन मसालों को भी अच्छी तरीके से इस तेल में ना फ्राई कर लीजिएगा, भून लीजिएगा। अभी इसमें कोई हमें पानी नहीं ऐड करना है, तेल में ही अच्छे से मसालों को भूनना है। जब ये भून जाएंगे तब इसमें मैंने ये टमाटर चॉप किए हुए और थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसमें मिक्स करके इसमें हमने अच्छे से मिला दिया है मसाले में। तो थोड़ा सा जब इसमें हम नारियल का बुरादा भी डालेंगे तो इससे हमारी ग्रेवी ना बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके फिर इसको हमें अच्छी तरीके से ये मीडियम फ्लेम में पकाना है जब तक कि ये हमारा पानी से एकदम ड्राई ना हो जाए। अब ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है तो फिर इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो अब गरम मसाले पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिएगा और अब आप चाहें तो इसमें आप मीट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब ये देखिए हमारा मसाला खूब अच्छी तरीके से भुन गया है और ऑयल भी खूब अच्छी तरीके से रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें हमें ये जो हमारे बकरे का जो हेड है इसको अच्छी तरीके से मैंने ना इसकी जो खाल थी तो वो अच्छे से निकलवा ली थी और निकलवाने के बाद में अब इनके छोटे छोटे पीस बनवा लिए थे। अब इसको अच्छी तरीके से हमने धो के अच्छे से वॉश करके अब इस मसाले में हमें अच्छी तरीके से भूनना है। तो जितनी अच्छी तरीके से आप इस मसाले में ये बकरे के हेड को अच्छी तरीके से जितना आप भूनेंगे ना उतनी ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो इनको अच्छी तरीके से कम 5 मिनट तक ऐसे ही मसाले में इसको चलाते रहिएगा। तो जितना आप चलाएंगे तो जो इसका पानी रिलीज होगा वो इसमें अच्छे से ड्राई होता जाएगा। तो इसमें ना बहुत अच्छी ना पकने के बाद एकदम सोंधापन आएगा। तो इसलिए खूब अच्छी तरीके से आप इसको ना मसाले में ऐसे ही भूनते रहिएगा कि जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे। तो अब देखिए हमने खूब अच्छी तरीके से मसाले में इन पीसों को अच्छे से भून लिया है। तो अब ये हमारा ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो अब ये जब ऑयल अच्छे से रिलीज होगा तभी हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो आप इसको ना एक ज़रूर भूनिएगा 5 मिनट के लिए। अब देखिए अब इसमें आप ना थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा क्योंकि ये बकरे का जो सर होता है तो थोड़ा सा टाइट होता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो पानी इसमें ऐड करके और बस इसको हमें फिर ना इसको कुक करना है। तो अच्छी तरीके से पानी इसमें मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करने के बाद में अब इसको हमें मीडियम फ्लेम में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो अब हमने इसको रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए। अब देखिए ये अब हमने इसको खोल के देखा है तो ये देखिए आपकी ना ये बकरे की सिरी बनकर रेडी हो गई है। तो अब इसमें आप ज़रूर थोड़ा सा जावित्री और जायफल का ये गरम मसाले का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो जावित्री जायफल जब हम इसमें पीस के ऐड करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी आपकी ये मटन की सिरी बनकर रेडी होगी। तो ये बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार होती है और बहुत ही खाने में ये टेस्टी होती है। तो इसे ना आप लोग इस तरीके